अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तारिक खान और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देहात से दुबई तक। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ अल ऐन यानी दुबई के एक कैमल फार्म में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे ऊँट जो है भरे पड़े हैं, बैठे हैं। यहाँ पर वैसे तो ठंडे का मौसम है लेकिन अभी शदीद गर्मी है और तगड़ा धूप भी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितना तेज़ धूप है। फिर भी इस धूप में देखिए इतना आराम से बैठे हैं, ऐसे ये लग रहा है जैसे मतलब ये इसकी रूह परवाज हो चुकी है, लेकिन देखिए ये लेटा हुआ है, सब आराम कर रहे हैं। ये कैमल फार्म है, इनको पाला जाता है इनकी गोश्त के लिए। ये बहुत सारे हैं, पूरा एक बाड़ा है एक तरह से, सराउंडिंग चारों ओर से बस इनको ऐसे छोड़ दिया गया है। और मतलब टाइम टू टाइम है खाना और पानी दिया जाता है। तो यहाँ पर तमाम तरह देखिए जैसे कबूतर है, वहाँ पर वो कबूतर का फार्म है, सिर्फ कबूतर पाले जाते हैं। बाकी अभी मैं चिकन लेकर आया हूँ, बगल में ये पोल्ट्री फार्म है। तो यहाँ पर सब ऐसे ही मतलब यहाँ के भी लोकल जो किसान होते हैं इस पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे हिरन, डियर, हिरन भी पालते हैं, उनका भी फार्म है, कभी आपको ले चलूँगा, और उनकी भी गोश्त के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ही है यहाँ पर, मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है लेकिन इनके ज़्यादा करीब जाने से डर भी लग रहा है। वैसे होते तो ये बहुत शरीफ जानवर हैं लेकिन फिर भी जिस चीज़ के बारे में ना जानना चाहे उनसे दूर ही रहना चाहिए। एक कहावत है देहात की कि अगर आप सांप के मंत्र नहीं जानते हैं तो बिच्छू के बिल में मतलब हाथ ना डालें। तो वही हाल है, गाय भैंस तो है नहीं भाई, हम लोग हमारे यहाँ गाय भैंस अक्सरियत मिलती है, उनके बिहेवियर से आदमी वाकिफ़ होता है। और ये कैमल है, ऊँट हैं, इनके बिहेवियर से हम नावाकिफ़ है, ये रेगिस्तानी जानवर है। तो दोस्तों मेरा चैनल आपको अगर पसंद आए और आपको ऐसे ही मैं तरह तरह की चीज़ें दिखाता रहूँगा, साथ में जहाँ जहाँ जाऊँगा बाकी तिब्बी इलाज को बताता ही हूँ, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। ओके दोस्तों, दुआओं में याद रखिए और अपने आसपास के लोगों को भी ख्याल रखिए। चलिए शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। ये लास्ट ये देखिए मैं जूम करके भी थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद से वीडियो का मैं खात्मा करता हूँ इसी के साथ में। धूप काफ़ी है तो मुझे लग रहा है जैसे कि वीडियो शायद बहुत साफ ना आ पाए। आओ आओ, कुछ नहीं होगा।